वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ चुके हैं हम लाइव। मैं गौरव व्यास आपका आपके अपने आरएसआर यूट्यूब चैनल के इस एयरफोर्स नेवी आईसीजी बीएसएफ वाली तलकती भड़कती क्लास में मजेदार स्टैटिक जीके, जिसमें के ज्योग्राफी का स्टैटिक चल रहा है। तो कुछ लोग बोलेंगे सर ज्योग्राफी, लेकिन बेटा एयरफोर्स नेवी आईसीजी में इंडियन ज्योग्राफी से, और ये एक जो सेगमेंट है जो मैं आपको ज्योग्राफी में ही कवर करवा रहा हूं, ये स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, जिसे मिसलेनियस कहा जाता है। तो मैंने मिसलेनियस को कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिससे एकदम से आप पर बर्डन ना पड़े। तो ये मिसलेनियस वाले क्लास में खतरनाक तरीके से चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, वंदे मातरम। अरे मेरे लाल, मुंडी पटक के प्रणाम मत किया कर, खोपड़े को संभाल के रखा कर। ये जो है ना, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, ज्यादा पटकेगा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगी, फिर कुछ नहीं बचेगा जिंदगी में, है ना लाला। नमस्कार नमस्कार, संभाल के रखो मुंडी उंडी को। हाँ चलिए, तो यहां पर ये आपके सामने क्या दिया गया है, एयरफोर्स नेवी आईसीजी का टाइम टेबल दिया गया है, जिसमें कि अगर बात की जाए तो जो जीके जीएस की क्लासें दो सेगमेंट में होती है। एक तो सुबह 11 से 12 बजे जीके की प्रैक्टिस मंडे टू थर्सडे, और आईसीजी और बीएसएफ वालों के लिए डेडिकेटेड फ्राइडे और सैटरडे को जीएस की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसमें आज कल मतलब कि जो फ्राइडे को हम आने वाले हैं उसमें मेटल नॉन मेटल के कंपाउंड यूजेस और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, क्लियर। और शाम को 4 बजे अभी आपके सामने यूट्यूब पर क्या चल रही है, कॉन्सेप्ट की क्लास चल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, राधे राधे, लाला जय हिंद, आ जाओ। हाँ, सबके सबको बुला लो, बोलो चलो बुलावा आया है, गौरव सर ने बुलाया है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, करौली से गुड इवनिंग, क्या बात है, है ना। प्रैक्टिस के लिए आपको अभिमन्यु लाइव बैच पर आना है, जिसमें के मिक्स लाइव प्रैक्टिस, लाइव चैट, लाइव रैंकिंग, लाइव स्कोरिंग सिस्टम, पीडीएफ की प्रैक्टिस क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो और कॉन्सेप्ट क्लासेस की लिंक दी जाती है। साथ साथ में रिवीजन भी बहुत जरूरी है, तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, अभिमन्यु नोट्स बैच को एनरोल करना है, जिसमें कॉन्सेप्ट के नोट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, रैंकिंग, नेगेटिव मार्किंग, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट और डाउट सेशन की फैसिलिटी दी जाती है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी आपको टेलीग्राम पर दी जाती है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल टीम स्पेस आरएसआर को जरूर ज्वाइन करें, इसी पर क्लासेस की लिंक दी जाती है, जिससे आप पता कर सके कि कौन सी क्लास किस समय पर होने वाली है और लगने वाली है। अगर कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत जीवन में जीके जीएस से संबंधित हो, जीवन से संबंधित नहीं कि सर आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मम्मी ने मेरे झापड़ मार दिए, उससे नहीं, जीके जीएस से रिलेटेड हो, तो आप 1 से 2 बजे के बीच में मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कॉल कर सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज नहीं, व्हाट्सएप मैसेज मैं इस नंबर के नहीं देखता हूं। ओके, इसके अलावा कोई भी टेक्निकल इश्यू आ रहा हो बैच एनरोलमेंट से रिलेटेड, या फिर कहा जाए तो बैच के रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज, इन पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, इन पर कॉल कीजिए, हमारी हेल्प डेस्क से बात कीजिए, अपनी समस्या का समाधान लीजिए। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। मिक्स प्रैक्टिस सर, मिक्स प्रैक्टिस सर, मिक्स प्रैक्टिस। हाँ बिल्कुल, क्या सर आप थ्योरी को ठीक से नहीं पढ़ाते? अच्छा 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 बेटा, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कहना गलत है कि सर थ्योरी को ठीक से नहीं पढ़ाते, लेकिन मेरे लाल, आपके एग्जाम की जो डिमांड है, जो नीड है, उस हिसाब से आपके लिए उतनी थ्योरी सफिशियंट है। अगर थ्योरी में और डिटेल में जाना है, डीप में जाना है, तो आओ कभी कुछ वक्त गुजारो एनडीए की क्लास में, आपका सोच बदल जाएगा। सुबह 7 बजे चलती है, क्योंकि यहां पर मैं ज्ञान देने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि इस क्लास में ज्ञान देने के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं, एयरफोर्स नेवी आईसीजी का पेपर कैसे क्वालिफाई होगा, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, उनके बारे में मैं आपको चीजों के बारे में बता रहा हूं,
उनको पढ़ा रहा हूं, उनको सिंपल करके आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि सर डिटेल में जाओ, तो डिटेल में कुछ वक्त गुजारो एनडीए की क्लास में, ये ना बोल दो कि सर बस माई बाप बहुत हुआ, इतना डिटेल में ना जाओ, ये मुंह से निकल जाएगा आपके से, है ना। तो किस एग्जाम की क्या डिमांड है उसके हिसाब से वो क्लास अरेंज की जाती है ना। हाँ, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून राधे राधे। मिक्स प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस का मैं देखता हूं आपके लिए। मिक्स प्रैक्टिस या तो सैटरडे को रख लेंगे, नहीं सैटरडे को नहीं रखेंगे, मंडे को रख लेते हैं मिक्स प्रैक्टिस, है ना। हाँ बिल्कुल, मंडे को रख लेते हैं, इस बार मंडे को मिक्स प्रैक्टिस रख लेते हैं। ओके चलिए, तो आज का देखेंगे सर, कंप्लीट हो गया सिटी वाला क्लास? नहीं नहीं बेटा, सिटी वाली क्लास को इसी के आखिरी में लगा के लाया हूं, है ना। मैं क्या सोच रहा हूं कि जैसे वो सिटी दो तीन स्लाइड बची थी, तो उनको मैं इसमें आखिरी में लगा के लाया हूं, जिससे कि हमारा ये नया फ्रेश टॉपिक भी हो जाए, और आखिरी आखिरी में उन 8 या 10 सिटी और बची है उनको और करा दूंगा, है ना। चलिए ओके। हाँ ओके, तो देखिएगा किसके बारे में चर्चा करनी है, वॉल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। आइए, क्या है वॉल्केनो, क्या है ज्वालामुखी? दिख रहा है यहां पर आपको फिगर में दिख रहा है, ये क्या है? अगर कहा जाए तो एक तरीके से ये धरती है, हम जिस पर चलते हैं, क्रस्ट है। ये क्या है? क्रस्ट है, भूपरपटी है, भूपरपटी जिस पर कि हम बैठे हैं, आप लेटे हो, चलते हो, जिस पर खेती होती है, मैदान वाला एरिया, पहाड़ जिस पर है, उसी पर एक ऐसा नेचुरल होल, क्या? एक ऐसा नेचुरल होल जिससे के नीचे से, कहां से? अंदर से, नीचे से मैग्मा निकलकर कहां आ जाए? बाहर आ जाए, हमें बाहर दिखाई देने लग जाए। उस छेद को, उस होल को क्या कहते हैं? उस छेद को, उस होल को हम ज्वालामुखी कहते हैं। हाँ सर, दिवाली का अनार लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, आपको अनार की भावना आ रही है तो अनार समझ लो। अनार से भी नीचे से ही निकलता है, ऊपर से तो निकलता नहीं है, है ना। हाँ, तो ऐसा होल अर्थ के क्रस्ट पर, ऐसा होल जहां से के नीचे से गरम गरम मैग्मा बाहर निकलता है और अर्थ की, पृथ्वी की सरफेस पर फैल जाता है, उस छेद को, उस होल को क्या कहते हैं? वॉल्केनो या ज्वालामुखी कहा जाता है। क्लियर? अगर पूछ ले कोई, वोकल मेंटेन करना हो आपको आसपास अपने घर में या अड़ोसी पड़ोसी से, तो उससे पूछ लेना ज्वालामुखी क्या होता है, वो बोलेगा वो गरम गरम लावा बाहर आ जाता है और वो गरम लावा ज्वालामुखी होता है। बोला नहीं, गलत बता रहे हो, गरम लावा बाहर आता है तो बाहर तो लावा आया ना, तो उसे तो लावा कहेंगे, उसे ज्वालामुखी कैसे कह देंगे। तो वोकल मेंटेन कर सकते हो आप लोग इस तरीके से, है ना। तो यहां पर क्या है, उस छेद को क्या कह देंगे? वॉल्केनो या ज्वालामुखी कह देंगे। तो पृथ्वी पे बाहर धधकते हुए तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। देखिएगा, अब देखिए क्या है, इस ज्वालामुखी में नीचे से क्या आ रहा है? मैग्मा आ रहा है, यानी नीचे क्या उपस्थित होता है? मैग्मा उपस्थित होता है। क्या होता है? मैग्मा उपस्थित होता है। नीचे क्या होता है? मैग्मा होता है, और नीचे से क्या आता है? मैग्मा आता है। जब यह मैग्मा बाहर आ जाता है, जब यह मैग्मा धरती की सरफेस पर आ जाता है, तब इसी मैग्मा को लावा कहा जाता है। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। जब कब? जब मैग्मा कहां आ जाए? बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, तो क्या कहा जाता है? लावा कहते हैं। और धरती में अंदर रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? मैग्मा कहेंगे। ओके, हाँ, मैग्मा क्या होता है? मैग्मा होता है जो हमारा धरती के अंदर है ना, तो हम कहते हैं कि जो अर्थ है, जो क्रस्ट है, जिस पर भूपरपटी है, जिस पर हम खड़े हैं, उसके नीचे एक सेमी लिक्विड फॉर्म होता है, जेली के फॉर्म में होता है,
जेली के फॉर्म में एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस रहता है जिसे मैग्मा कहा जाता है, बहुत ही गर्म रहता है, हॉटम हॉट रहता है, आपकी हड्डियां तक गला देगा, इतना गर्म रहता है ना। कैसे बनता है, कैसे बनता है, बनने में कुछ नहीं है, क्रस्ट टूटता है, फूटता है और उसमें नीचे गलता रहता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी के बहुत गहरे में धधकता हुआ तरल पदार्थ जिसे क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, ज्वालामुखी, काय का, ज्वाला का मुख, नाम से ही क्लियर है, ज्वालामुखी काय का मुख है, ज्वाला का मुख है। गर्म तरल पदार्थ होता है, अर्ध तरल होता है, ना पूरी तरीके से तरल होता है और ना पूरी तरीके से ठोस होता है, अर्ध तरल पदार्थ होता है ना, जिसे कि आप तरल बोल सकते हो, है ना। ज्वाला का मुख, तो मुख का नाम क्यों दिया, क्योंकि अर्थ पर मुंह होता है, अर्थ पर छेद होता है, जहां से के वो ज्वाला बाहर निकलती है और वो ज्वाला मैग्मा के रूप में बाहर निकलती है। तो नाम से ही क्लियर है, ऐसा मुख जिसके अंदर से ज्वाला बाहर निकलती है, हाँ, जिसके अंदर से क्या है, ज्वाला बाहर निकलती है, का कहलाता है, बोला गुरुजी कहलाता है ज्वालामुखी, है ना। तो क्या कह सकते हैं, धरातल पर बना हुआ ऐसा प्राकृतिक होल या छिद्र जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा, मैग्मा की डेफिनेशन स्पष्ट हो गई, पृथ्वी के अंदर रहता है, अंदर से बाहर निकलता है, जब क्रस्ट पर आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, धरती के ऊपर आ जाएगा तब उसे लावा कहेंगे, नहीं तो अंदर रहेगा तो उसे मैग्मा कहेंगे। तो छेद के जरिए निकला, तो ऐसा छेद जिसके अंदर से ज्वाला या मैग्मा के साथ साथ गैस भी निकलती है, और ये गैस कैसी रहती है, जहरीली गैस रहती है ना, कैसी रहती है, जहरीली, हाइड्रोजन निकलता है, अमोनिया निकलता है, सल्फर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्लोरीन निकलता है, जहरीला गैस निकलता है इसके अंदर से। तो कैसा, गैस, गैस के साथ साथ जब कहीं पर आग निकलेगी तो वहां पर राख होगी कि नहीं होगी, राख होगी कि नहीं होगी, वॉइस कट रहा है, रुको रुको, वॉइस कट रहा है, हम तुम्हार वॉइस का भी इंतजार, अब आ गया वॉइस, बोलो हाउ, आ गया वॉइस, हाँ ठीक है, चलो ओके, हाँ। तो क्या कहा, जब गरम गरम पदार्थ निकलेगा तो उसके अंदर से राख निकलेगी, राख निकलेगी के नहीं, बिल्कुल हाँ, तो राख निकलेगी यानी ऐश, साथ साथ में पानी, पानी जलवाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर होता है, धरती के अंदर पानी होता है, जब हम बोरवेल करते हैं, कुआं खोदते तो पानी निकलता है धरती में से, तो जब मैग्मा उसके नीचे से निकलेगा तो पानी के भी साथ वो कॉन्टेक्ट में आएगा, और जब पानी के साथ वो कॉन्टेक्ट में आएगा तो बहुत गर्म, हॉट हॉट है, तो पानी को क्या करेगा, भाप में बदल देगा, भाप में बदल देगा, तो भाप भी इसके साथ बनकर ऊपर निकल आएगी। तो क्या है, बोला गैस निकलती है कैसी, जहरीली, राख निकलती है, साथ साथ में पानी निकलता है, और चट्टानों को तोड़ते हुए आएगी, धरती को तोड़ते हुए, धरती का सीना फाड़ते हुए मैग्मा बाहर निकलेगा, है ना। तो चट्टानों के टुकड़े आदि निकलते हैं, उस छेद को क्या कहते हैं, हम ज्वालामुखी कहते हैं, क्या कहते हैं उस छेद को, उस होल को, वॉल्केनो कहा जाता है। आपसे बात करना है सर जी, पंकज यादव जी बोल रहे हैं, लाला इस नंबर पर कब, 1 से 2 बजे के बीच में मुझे कॉल लगा लेना, सोमवार से लेकर शनिवार तक बात हो जाएगी, बिजी आए तो थोड़ा सा ट्राई मार लेना, है ना बेटा। ओके सर जी, वॉल्केनो किस पर्टिकुलर रीजन में बनते हैं, रुक जा मेरे लाल, रुक जा, रुक जा मेरे लाल, रुक जा, हाँ ओके, आगे
एक छोरे ने पूछा कि सर इसकी राख में कपास की खेती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टाने बनती है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। हाँ चलिए, अब टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी के प्रकार, तो नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं? तीन तरीके के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने? तीन। पहला क्या? एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा घर वाले बोलते हैं, तुमने देखा तुम नालायक पड़े रहते हो, खाया लेट गए फिर उठे, फिर खाया लेट गए, आलसी हो गए हो। वो बगल में राजा राम जी का छोरा देखा है, कितना एक्टिव है, कितना फुर्तीला है, सर से इधर चला जाएगा, फुर्र से उधर चला जाएगा। गधे कुछ सीखो पड़ोसियों से, बोलते कि नहीं बोलते घर, है ना? घर पे पापा मम्मी बोलते हैं बिल्कुल, यानी कि जो बहुत ज्यादा फुर्तीला हो। अब मैं यहां पर ज्वालामुखी में फुर्ती काय की दिखानी है, ज्वालामुखी में फुर्ती काय की दिखानी है कि नीचे से मैग्मा बार बार निकलता रहे, मैग्मा के निकलने की फुर्ती दिखानी है, है ना? मैग्मा के निकलने की फुर्ती दिखानी है। तो भाई साहब एक्टिव वॉल्केनो क्या होगा? जहां पर मैग्मा बार बार क्या हो, लगातार निकलता रहे, है ना, उसे क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉल्केनो कहा जाता है। सर आपसे ऐसे ही बोलते होंगे। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे घर वालों ने बिल्कुल मुझे बेटा मान के ही पाला है, आपको मेहमान मान के पाला तो हम क्या करें? जब पापा बेटा मान के, मम्मी बेटा मान के पालते हैं तो ठुकाई पिटाई लगाते, बराबर लगाई है हमारी भी, आपकी नहीं लगाई, यानी आपसे प्यार नहीं करते, है ना, मुझसे करते इसीलिए पीटते भी है। हाँ बिल्कुल, तो सोच लो फिर आपका अस्तित्व खतरे में है। अगला डोरमेट। हाँ अगला क्या आता है? डोरमेट। डोरमेट का मतलब प्रसुप्त या सुसुप्त। क्या है? प्रसुप्त या सुसुप्त। प्रसुप्त या सुसुप्त का मतलब क्या है? प्रसुप्त या सुसुप्त का मतलब क्या है भाई साहब? ये वो है जहां से के वॉल्केनिक एक्टिविटी रुक रुक के होती है। क्या होती है? ज्वालामुखी क्रिया। क्या होती है? ज्वालामुखी क्रिया, क्रिया रुक रुक कर होती है। बोला रुक बाबा रुक, रुक रुक कर होती है, लगातार नहीं होती। तो सक्रिय में क्या है? कंटिन्यू होती है, और यहां पर क्या होती है? रुक रुक कर होती है। तीसरा क्या आता है? डेड, जिनमें बहुत टाइम से कोई क्रिया नहीं हुई है, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें बहुत लंबे समय से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है और ना ही होने की पॉसिबिलिटी है, फिर भी हो सकती है। तो बहुत लंबे समय से ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई, कोई क्रिया नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है, है ना? तो लंबे समय से कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है लेकिन हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कोई आदमी बहुत ज्यादा शांत रहता है, चुपचाप रहता है, आप गए उससे दो बातें कहीं, चले आए, उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, चुपचाप बैठा है। फिर आप गए दोबारा उससे दो बातें कहीं, फिर चले आए, कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जाओगे तो आपको डर लगने लगेगा उसके पास, डर लगने लगता है कि नहीं, कि यार कहीं इस बार मैंने जाके कुछ कहा और इसने मेरी लगा दी तो, लगता है कि नहीं? तो जो आदमी जितना शांत रहता है, जो आदमी जितना चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, अपने काम से काम रखता है, ज्ञान की बात है, दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी होता है वो, है ना? बिल्कुल, भारत में भी वॉल्केनो है,
सबसे खतरनाक आदमी होता है और उससे थोड़ा सा संभल के रहना। ठीक इसी तरीके से अगर कहा जाए, तो बड़े लंबे समय से ज्वालामुखी क्रिया नहीं हुई है, होने का भी चांस नहीं है, लेकिन अगर हो गई तो सबसे ज्यादा खतरनाक यही होते हैं, डेड वॉल्केनो। अगर हो गई तो आसपास का एरिया साफ, है ना, आसपास का एरिया साफ। ठीक तो हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से होते हैं, डेड वॉल्केनो माने जाते हैं। अब देखना कौन कौन से ज्वालामुखी कहां कहां पर है। हां जी देखो तो जैसे एक्टिव वॉल्केनो का कही थी, इनमें लगातार ज्वालामुखी क्रिया होती रहती है, निकलता ही रहता है। वही लिखा है कि क्या है, ये वे ज्वालामुखी है जिनमें समय समय पर विस्फोट होते ही रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या आया, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी का नाम है और कहां पर है, इक्वेडोर में है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, सबसे ऊंचा सक्रिय क्या है, ज्वालामुखी है। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, है ना, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। सर डेड वॉल्केनो इरप्शन की कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी रहती है, बेटा नेग्लेक्सिबल रहती है, ना के बराबर रहती है, लेकिन रहती जरूर है, है ना। तो सबसे पहला क्या आया, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी। दूसरा अब देखना, ये रहा इक्वेडोर कहां पर है, ये है कोटोपैक्सी, है ना। दूसरा अगर बात करें हवाई द्वीप का मोनोलोआ और किलायु, ये जो है हवाई द्वीप का मोनोलोआ और किलायु, इसमें से जो किलायु है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, और कहां पर, हवाई द्वीप में। ये रहा मोनोलोआ और किलायु, कहां पर, हवाई द्वीप में, मोनोलोआ और किलायु। अगला चले इटली का सिसली, ओ इटली के सिसली में एटना, है ना सबसे ज्यादा एक्टिव कहां पर होते हैं, रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर में परिप्रशांत मेखला पेटी पाई जाती है, रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, वहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर, हाँ इटली का एटना कहां पर है, ये रहा इटली, है ना, ये रहा इटली और यहां पर क्या है, एटना, है ना। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागर का स्ट्रॉम वॉली, मेडिटेरियन सी का स्ट्रॉम वॉली, ये रहा मेडिटेरियन सी और यहां पर क्या है, स्ट्रॉम वॉली। तो साहब का देख लिया, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, हवाई द्वीप का मोनोलोआ किलायु एक्टिव है, इटली के सिसली का एटना और भूमध्य सागर का मेडिटेरियन सी का स्ट्रॉम वॉली। इसे क्या कहा जाता है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। सबसे ज्यादा वॉल्केनो बेटा बताया ना परिप्रशांत मेखला पेटी में, हमारे पास कहा जाता है रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलती है, तो इसे क्या कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द
ऑफ द मेडिटेरियन सी, है ना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला इंडिया, अरे अपन लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, साइकिल देखा, सब देखा मेरी जान, कहीं नहीं है इस दुनिया में दूसरा हिंदुस्तान। आ जाओ हिंदुस्तान पे, कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। तो भारत का बेरन द्वीप का ज्वालामुखी, और ये कहां पर है, अंडमान निकोबार में, कहां पर है, अंडमान निकोबार में है, है ना। कभी जाना अंडमान निकोबार घूमने, मैंने तो देखा है ऐसे, ये मड वॉल्केनो है एक, है ना, इतना छोटा सा हॉल है, ऊपर से अगर उसको देखोगे इतना छोटा सा है, और उसमें से कहा जाता है जो मैग्मा निकलता है वो कीचड़ के रूप में बाहर निकलता है, है ना, ठीक। तो कहां पर, अंडमान निकोबार में, इंडिया का बैरन वॉल्केनो कहां पर, अंडमान निकोबार में, जो रहा। ओके, आगे चलते हैं, जोन में रुक रुक के निकलता है, निकला आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह, मम्मी ने बोला बेटा ये काम कर देना, उठे फिर बैठे रह गए, फिर पूछते हो खुद से करे काम, फिर थोड़ा फिर लेट गए, फिर मम्मी ने फिर आवाज लगाई, फिर उठे थोड़ा सा आगे चले, चलने के बाद दीवार से हाथ टिका के खड़े हो गए, करे काम। तो ऐसे रुक रुक के, ऐसे ही ये भी सोचता है निकले बाहर, फिर सोचा अब रुक जाते हैं, फिर निकले बाहर, फिर सोचा नहीं अभी रुक जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों की तरह, अपनी तरह आलसी होता है, है ना। तो क्या देखने को मिलता है, ऐसा ज्वालामुखी जिनसे के क्रिया कैसी होती है, रुक रुक कर होती है। मैग्मा क्या है, रुक रुक कर निकलता है, है ना, मैग्मा क्या है, रुक रुक कर निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रसुप्त या सुसुप्त कहा जाता है, क्या कहते हैं, प्रसुप्त या सुसुप्त कहा जाता है। सर नए ज्वालामुखी नहीं बनते क्या, अरे बिल्कुल बनते हैं, किसने कहा नहीं बनते, क्या कहते हैं, प्रसुप्त या सुसुप्त कहते हैं। जैसे के ये रहा इटली का विसुवियस, कहां, विसुवियस, विसुवियस, बेटा विसुवियस इटली में है, लेकिन हमने और क्या देखा था इटली का, बोला सर इटली का एटना सिसिली में था, तो इटली के सिसिली में एटना देखा था, बराबर, और दूसरा क्या देख लिया, सुसुप्त विसुवियस, है ना, विसुवियस। ओके चलिए, जापान का फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजी पर, ये रहा जापान का फ्यूजियामा, है ना, तो इटली का विसुवियस और यहां पर क्या आ जाएगा, फ्यूजियामा, क्लियर। ओके चलिए, तो जापान का क्या आ गया, फ्यूजियामा, है ना। ओके चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट डोरमेट का, इंडोनेशिया का क्राकातोआ, जे रहा इंडोनेशिया और यहां क्या है, क्राकातोआ, तो कहां का है क्राकातोआ, इंडोनेशिया का, कहां का क्राकातोआ, इंडोनेशिया का। सर करवा चौथ की छुट्टी मिलेगी, नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है करवा चौथ पे आप लोग व्रत रखोगे, और करवा चौथ पर जब व्रत रखोगे तो अगर छुट्टी कर दी तो तुम इधर उधर भगोगे, प्यास लगाएगी, थक जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए छुट्टी नहीं मिलेगी कि आप वहीं पर आराम से एक ही जगह बैठे रहो, केवल क्लास लेते रहो, चुपचाप पड़े रहो एक जगह पर, है ना, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करवा चौथ की कोई छुट्टी की व्यवस्था नहीं की गई है। हाँ चलिए, हाँ चलिए, ओके, अब क्या है, इंडोनेशिया का क्राकातोआ कहां पर, क्राकातोआ कहां पर है, इंडोनेशिया में है। अगला, अरे अंडमान निकोबार,
अंडमान निकोबार का क्या है, नारकोंडम फिर से आ गया। कहीं नहीं है इस दुनिया में दूसरा हिंदुस्तान, अंडमान निकोबार का क्या, नारकोंडम। कैसा है, सुसुप्त है, प्रसुप्त है, फट भी सकता है, रुक रुक के फटता है, है ना, रुक रुक के फटता है। जैसे कि आप फटते हो घर पे, मम्मी ने चार झाड़ू लगाई तरीके से, उसके बाद फिर क्या करते हो, दो शब्द बोल दिए, फिर मम्मी ने आंखें दिखाई, फिर चुप हो गए, फिर मैंने कुछ नहीं किया था, उनने किया था, फिर मम्मी ने आंखें दिखाई, चुप, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मैं कुछ बोल रहा हूं, फिर दिखाई, फिर चुप, शाम को पापा आएंगे उन्हें बताऊंगा, फिर दिखाई, फिर चुप। तो ये क्या है, रुक रुक के आप अपने विस्फोट कर रहे हो, है ना। बस ऐसे ही क्या है, नारकोंडम रुक रुक के विस्फोट करता है, डोरमेट है। तो इंडिया में दो, इंडिया में कितने, दो, एक तो एक्टिव है बेरन अंडमान निकोबार का, दूसरा नारकोंडम, ये भी अंडमान निकोबार का, है ना, एक एक्टिव, दूसरा नारकोंडम। गलत कर रहे हो सर हमारे साथ, हाँ गलत कर रहे हो, भावना पता पड़ गया, अरे सर आज ही सुबह मम्मी ने ऐसा कांड किया हमारे साथ, आपको कैसे पता पड़ गया, है हाँ बेटा, जब हमारे दिल जुड़े होते हैं ना, जैसे शिक्षक का ध्यान हमेशा अपने बच्चों पर रहता है, बच्चों से मतलब अपने विद्यार्थियों पर रहता है, तो हमारे और आपके दिल जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है। हाँ चलिए, हाँ अगला क्या आता है, डोरमेट, डेड वॉल्केनो। अगला क्या आता है, डेड वॉल्केनो, है ना, अगला क्या आता है, डेड वॉल्केनो यानी कि मृत ज्वालामुखी। हाँ क्या, डेड वॉल्केनो यानी मृत ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखियों में लंबे समय से, बहुत लंबे समय से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है। चुपचाप बैठा हुआ आदमी एक सांप और शेर से कम नहीं होता है, छेड़ दिया छोड़ेगा नहीं, है ना। तो लंबे समय से कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है ना, हालांकि उन्हें मृत कहते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कब फट पड़े, कब फट जाएं और कितनी तबाही मचाएं, इसीलिए सबसे भयानक होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं, सबसे भयानक, सबसे खतरनाक, है ना, कौन से, डेड वॉल्केनो। देखते हैं इक्वाडोर का चिम्बाराजो क्या था, ये रहा इक्वाडोर, और यहां पर क्या है, चिम्बाराजो कैसा है, डेड है, डेड है, मरा हुआ है। एक और देखा था अभी इक्वाडोर में, कौन सा देखा था, बोला अरे गुरुजी इतना पागल समझे क्या, अभी एक एक्टिव देखा था गुरुजी इक्वाडोर में, कौन सा, कोटोपैक्सी देखा था गुरुजी, और दूसरा क्या देख लिया, चिम्बाराजो, ये भी इक्वाडोर में है, लेकिन गुरुजी ये कैसा है, डेड है, मरा हुआ है ना। हाँ अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार में क्या है, रंगून, और क्या था, यहां पर है मांडले जेल, जहां पर बहादुर शाह जफर को दी गई थी फांसी, उनका काम कर दिया गया था खेल, है ना। तो वहां पर मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, बहादुर शाह जफर की याद सताती है, जिया में आग लगाती है ना। तो म्यांमार का कौन सा, पोपा, कहां पर, ये रहा म्यांमार और यहां का पोपा। अगला ईरान का देवबंद और कोह सुल्तान, कहां का, ईरान का देवबंद एंड कोह सुल्तान, कहां का है, ईरान का है देवबंद और
कोह सुल्तान। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंडीज पर्वत का एकांका गुआ कहां पर है? ये रहा, ये रहा, ये रहा एंडीज माउंटेन का एकांका गुआ, है ना, कहां पर है? हाँ, कहां पर? एंडीज माउंटेन का एकांका गुआ। सर कोई डेड वॉल्केनो दोबारा एक्टिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बेटा, दोबारा एक्टिव हो सकता है डेड वॉल्केनो, कोई समस्या नहीं है, हो सकता है, है ना। जैसे कि नारकोंडम ही वॉल्केनो है, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने डेड घोषित कर दिया था लेकिन एक्टिव हो गया तो उसे डोरमेट में रख दिया, है ना। हमारे पास एंडीज, एंडीज माउंटेन उत्तरी अमेरिका में, ना ना मुन्ना ना ना, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में है, एकांका गुआ। अच्छा चलो इसमें देश का नाम और लिख देते हैं ताकि तुम्हें समस्या ना हो। ये एकांका गुआ कहां पर है? अर्जेंटीना में। कहां? अर्जेंटीना में है। क्लियर। अगला, तंजानिया का किलीमंजारो, ये रहा किलीमंजारो। कहां? तंजानिया में। ये रहा किलीमंजारो तंजानिया में। केन्या, केन्या का कैनियन, यहां पर है कैनियन वॉल्केनो। कहां पर? केन्या में। अगला चलते हैं, ओ हो हो हो, इसी के साथ आज के वॉल्केनो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कुछ और देखेंगे, लेकिन उससे पहले खत्म नहीं हुई है, अभी और भी है। वाह वाह, हाँ तो अभी और भी है। जैसे कि अगर बात करें तो मैडम की इंग्लिश वाली क्लास जो नहीं ले रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बोले ये कहां आ गए हम, ऐसी दिक्कत ना हो जाए आपके साथ कि रिटर्न क्वालिफाई हो गया और जैसे ही पहुंचे आप जीडी में या फिर कॉन्फ्रेंस में और वहां पर बोला के है मिस्टर सिट ऑन द चेयर एंड आई वांट टू आस्क टू यू द सम क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडिया, बोला सर है, तो इंग्लिश जरूरी है और आप इंग्लिश बोल पाए, समझ पाए, अच्छी तरीके से कह पाए, है ना, उसके लिए आपको क्या है, इंग्लिश से भगना नहीं है, इंग्लिश से भिड़ना है। और कैसे भिड़ना है सही तरीके से, वो भिड़ना है मैडम के साथ आपको क्लास में, मैडम बताएंगी कि कैसे भिड़ना है, है ना। तो इस मैडम के इंग्लिश स्पोकन वाली इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, अपनी कश्ती वहां नहीं डूबेगी जहां पानी कम होगा, या तो बीच मझधार में ही डूब जाएंगे या फिर डूबने की बात ही काय को करो, अपन तो बाहर ही निकलेंगे, पाल पे पहुंचेंगे, है ना। हाँ वेरी गुड। तो यहां पर हमारे पास मैडम की डेली शाम को 6 बजे स्पोकन की क्लास होती है, गजब लेवल की, गर्दा लेवल की, धुआं धुआं क्लास, है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो साहब, देखिएगा, जोल वॉल्केनो हुए, ज्वालामुखी निकले, क्या निकले, ज्वालामुखी निकले। तो अब ज्वालामुखी निकलते तो ऐसा थोड़ी है कि निकल गए और खत्म, बात खत्म, नहीं, अगर ज्वालामुखी की क्रिया होती है तो धरती के ऊपर बहुत सी अलग अलग चीजें हमें दिखाई देती है। क्या देती है? अलग अलग चीजें हमें दिखाई देती है। और जब अलग अलग चीजें दिखाई देती है, किससे बनी? ज्वालामुखी से बनी, तो उन्हें क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी आकृतियां कहते हैं, वॉल्केनिक फिगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी आकृतियां कहते हैं, वॉल्केनिक फिगर्स कहते हैं। तो कैसी कैसी आकृतियां बनती है ज्वालामुखी से? कई ऐसी बन रही है, कई ऐसी नहीं,
टेढ़ी मेढ़ी बन रही है का? नहीं नहीं देखो कैसी बनती है। हाँ हाँ चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रेटर और कोल्डेरा क्या बनता है? क्रेटर और कोल्डेरा। अरे भाई साहब, हाँ कैसे क्रेटर और कोल्डेरा ये कहां पर बनती है? ज्वालामुखी के मुंह पर बनती है। कहां पर? मुंह पर बनती है ना, ज्वालामुखी के मुंह पर बनती है। ज्वालामुखी से खनिज पदार्थ निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं, बराबर निकलते हैं खनिज पदार्थ, है ना। हाँ हाँ तो ज्वालामुखी के मुंह पर बनती है। जब ज्वालामुखी क्रिया पहली बार होती है, क्रिया क्या हो? पहली बार हो, पहली बार हो तो क्या बनता है? क्रेटर बनता है। और जब क्रिया बार बार हो, क्या हो? बार बार हो तो क्या बनता है? कोल्डेरा बनता है। ठीक, जैसे कि मैं आपको ज्वालामुखी एक बना के बता देता हूं। यह है, यह पहली बार की स्थिति है। जब पहली बार ज्वालामुखी एक्टिविटी हुई तो ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा? क्रेटर कहा। ठीक, अब मान लो दोबारा हो गई, दोबारा हो गई तो इसको तोड़ता फोड़ता निकलेगा, निकलेगा बोला बिल्कुल निकलेगा, तो अब ज्वालामुखी का मुंह क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो इसे क्या कह देंगे? कोल्डेरा कह देंगे। यानी क्रेटर का आकार, क्रेटर का साइज छोटा होता है, क्रेटर का साइज छोटा होता है और कोल्डेरा का साइज बड़ा होता है ना, कोल्डेरा का साइज बड़ा होता है। अब देखिएगा एक चीज और, अगर ये ज्वालामुखी फूटे और उसके बाद प्रसुप्त है, कैसे है? प्रसुप्त है, डोरमेट है, तो रुक रुक के क्रिया होगी, रुक रुक के होगी, तो भाई साहब आज फूटे महीने भर के लिए, शांत हो गए महीने भर बाद फिर फूटेंगे। ठीक, तो शांत हो गए तो ये ठंडा होके जम जाएगा, तो अगर पानी बरस गया तो इसमें पानी भर जाएगा, तो अगर वो पानी क्रेटर में भरा तो क्रेटर झील, और अगर कोल्डेरा में भरा तो कोल्डेरा झील, है ना। हाँ चलिए अगले पर। हां जब दोबारा ज्वालामुखी क्रिया होती है ना, तो दोबारा होने के दौरान वो छेद क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। वो जो होल होता है, जब दोबारा एक्टिविटी होगी तो वो होल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। अगला क्या आता है? गेसर या गीजर। गीजर क्या होता है? गीजर क्या करता है? पानी गर्म करता है कि नहीं करता, है ना, पानी गर्म करता है कि नहीं करता? गीजर क्या करता है? पानी गर्म करता है। अब अगर गीजर पानी गर्म करता है तो यानी कि यहां से पानी गर्म निकलेगा, है ना। तो जब धरती के अंदर से आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि धरती के नीचे से कई जगह पर आपने सुना होगा कि भाई फलानी जगह पर चले जाना, वहां पे अलग ही चमत्कार है। बोला क्या? बोला अपने आप जमीन से पानी निकल रहा है, गर्म पानी। उत्तराखंड में चले जाओ, एक गर्म पानी का कुंड है जिसमें के साधु लोग या वहां के आसपास के आदमी देवीय चमत्कार मानते हैं, देवता का होगा आशीर्वाद। वहां पर पोटली में करके चावल डाल देते हैं उसमें, और चावल डालने के बाद उनको कुछ देर बाद निकालते, बढ़िया चावल उबले उबलाए ऐसे लगते जैसे प्रेशर कुकर में उबाले हो। तो वो देवताओं का कोई आशीर्वाद नहीं है बेटा, वो केवल हमारी आस्था का विषय बना लिया है हमने देवताओं का आशीर्वाद, ऐसा कुछ नहीं है। वो ज्वालामुखी आकृति है, गर्म पानी का कुंड बन गया है, नीचे से पानी मैग्मा से टच होकर बाहर निकल रहा है, इसके कारण वो पानी गर्म है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, वाव वंडर, वाव वंडर, जय हो माता मैया, जय हो देवता, नहीं, कोई देवी देवता का प्रकोप नहीं है, कोई देवी देवता की साजिश नहीं है, फालतू में देवताओं को बदनाम मत करो, है ना। किसके कारण है? वो ज्वालामुखी के कारण है, है ना। हाँ है ना। अगला हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, इसमें पानी क्या है? निरंतर निकलता है,
निरंतर कंटिन्यूटी में निकलता है। हां, केदारनाथ में दो किंग हैं, ठीक। हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में क्या है, इसमें भी पानी गर्म पानी ही निकलेगा। इसमें भी गर्म पानी निकलता है, लेकिन रुक रुक कर निकलता है। कैसा? रुक रुक कर निकलता है। ओके ओके। अगला आता है धुआरे या स्मोग, या फिर नहीं कहा जाता है फेमोरस। क्या कहा जाता है? फेमोरस, धुआरे या स्मोग। हाँ बेटा, केदारनाथ में है कुंड, बिल्कुल है। हाँ, क्या? धुआरे या स्मोग। धुआरे या स्मोग क्या होता है भाई साहब? पानी निकल रहा है, मान लो कि पानी इतना ज्यादा नहीं निकला, थोड़ा सा ही निकला, ज्वालामुखी के या मैग्मा के कांटेक्ट में आया और उसके ताप को, उसकी गर्मी को, इतना हॉट था ज्वाल मैग्मा कि उसकी गर्मी को नहीं झेल पाया, और जैसे ही कनेक्शन में आया वो क्या हो गया? भाप में बदल गया। क्या हो गया? भाप में बदल गया। क्या हो गया? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, भाप में बदल गया। तो जब किसी जगह से पानी नहीं निकलता है लेकिन वाटर वेपर जलवाष्प निकले, क्या निकले? जलवाष्प निकले, ठीक। तो जलवाष्प निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है? धुआरे या फेमोरस कहा जाता है। यूएसए में एक जगह है कटमई घाटी। क्या है? कटमई घाटी, जहां पर 10,000 धुआरे हैं। कितने? 10,000 धुआरे हैं। कहां पर? यूएसए की कटमई वैली में। हां, अगला नेक्स्ट सोल्फिस्टार। सोल्फिस्टार सीधी बात है, कुछ मत समझो, जब ये धुआरे सल्फर की रॉक के ऊपर से गुजरे, किससे? सल्फर की चट्टान से होकर गुजरे, गुजरे, तो पानी में सल्फर के गुण आ जाएंगे या फिर वाटर वेपर में सल्फर के गुण आ जाएंगे, यानी कि वो सल्फर से होकर गुजरने के कारण वो पानी या फिर वो वाटर वेपर जहरीली हो जाएगी, आदमी के लिए जहरीली हो जाएगी, तो उसे क्या कहा जाएगा? सोल्फिस्टार कहते हैं। क्लियर? हाँ, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है, जियो मेरे लाल, दिखा दिया तुमने कमाल। आगे नेक्स्ट कुछ और भी हैं, जैसे कि ये तो बाहर बनी, ये जितनी आकृतियां थी कहां बनी? धरती पर बाहर बनी। एक और आकृति है जो धरती में अंदर बनती है। कैसी बनती है? धरती में अंदर बनती है, अंदर बनती है, यानी कि धरती के नीचे बनती है। कौन कौन सी है? बोला सर, लोपोलिथ है, सिल है, फैकोलिथ है, लोकोलिथ है, डाइक है, बैथोलिथ है, है ना। सबसे पहला बैथोलिथ क्या होता है? जब इसमें मैग्मा जमीन के काफी अंदर दिखाई देता है और लहरदार होता है। कैसा होता है? साइनोस्यूडियल होता है, लहरदार होता है, है ना, लहरदार। ये देखो, बनी के नहीं बनी लहर, बनी के नहीं बनी, तो उसे क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहा जाता है। सर, कल वाला टॉपिक, कल वाला टॉपिक हमारे पास कल क्या रहेगा? कल हम कहा देखेंगे हैं? हाँ, कल हम ओशियन करेंगे, महासागर, है ना। अगला, अगला लोपोलिथ। नेक्स्ट क्या आया? लोपोलिथ। लोपोलिथ में क्या होता है? जब ज्वालामुखी कॉनकेव के रूप में जमता है। कैसे? कॉनकेव के रूप में, यानी कि अवतल, अवतल, कॉनकेव, कॉनकेव शेप में अगर मैग्मा जमे तो
लोकोलिथ, लोपोलिथ। और फेकोलिथ क्या होता है? फेकोलिथ जब कॉन्वेक्स रूप में जमता है, किसमें? कॉन्वेक्स यानी उत्तल रूप में ज्वालामुखी जम जाए। नेक्स्ट सिल, सिल हमारे पास क्या होता है? बोला गुरुजी सिल जब होरिजेंटल हो, क्या हो? होरिजेंटल हो। और अगला आता है डाइक, जब वर्टिकल हो। तो ये जमीन के अंदर मैग्मा जमता है, जमीन में जो क्रैक्स रहते हैं ना उसके अंदर मैग्मा जमता है। अगर मैग्मा कैसे जमे? लहर के रूप में जमे तो बेथोलिथ, अगर कॉनकेव या अवतल जमे तो लोपोलिथ, अगर कॉन्वेक्स या उत्तल जमे तो फेकोलिथ, अगर होरिजेंटल जमे तो सिल, और वर्टिकल जमे तो उसे डाइक कहते हैं। क्लियर? ओके। इसके अलावा ये मैं आपके सामने लेके आया हूं, क्या लेकर आया हूं? रिंग ऑफ फायर। कहां पर पाई जाती है ये? पैसिफिक ओशियन में। सबसे ज्यादा वॉल्केनो यहीं पर है ना? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां पर? प्रशांत महासागर में ही है। कहां पर? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। और इस रीजन को क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत मेखला पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर या परिप्रशांत मेखला पेटी कहा जाता है। इस पट्टी को अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी इसी में मिलते हैं। ओके, चलिए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बदले जमाना चाहे रूठे जमाना तुझे आना पड़ेगा। तो कल की क्लास का जो रह गया था उसको और देख लेते हैं। कल की जो क्लास का रह गया था ना, थोड़ा सा उसे और देख लेते हैं। जैसे कि कर्नाटक में कारवार एक जगह है। क्या है? कर्नाटक में कारवार एक जगह हमें देखने को मिलती है। किस नदी के किनारे है? काली नदी के किनारे है। किसके किनारे? काली नदी के किनारे हमें देखने को मिलती है। तो क से कर्नाटक, क से काली और क से कारवार, है ना? क से कर्नाटक, क से काली और क से कारवार। अगला, नेक्स्ट, घाट प्रभा। घाट प्रभा नदी के किनारे क्या है? बागलकोट है। ठीक, तो घाट प्रभा के किनारे बागलकोट, तो बगल वाले कोट में घाट पर प्रवाहित कर रहे थे कर्नाटक को, है ना? बगल वाले कोट में बागलकोट, बगल वाले कोट में घाट पर कर्नाटक को प्रवाहित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? घाट पर प्रवाहित कर रहे थे किसे? कर्नाटक को। तो बागलकोट घाट प्रभा पर कर्नाटक में, है ना? बागलकोट घाट प्रभा पर कर्नाटक में। ब्लैक रिवर नहीं बेटा, काली नदी को काली नदी ही कहते हैं। नाम है, नाउन है, नाउन का ट्रांसलेशन नाम है, नेम का ट्रांसलेशन नहीं होता है, है ना? वैसे तो मेरा नाम गौरव है, तुम तो प्राउड प्राउड कर दोगे, गौरव व्यास प्राउड डायमीटर ऐसा बुलाओगे मुझे। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हनावर। हनावर कहां पर है? श्रावस्ती में है। ठीक, तो हनावर कहां पर? श्रावस्ती में। कहां पर? कर्नाटक में। तो ध्यान रखना, क से कारवार, क से काली और क से कर्नाटक, बगल वाले कोर्ट में घाट पर प्रवाहित कर दिया कर्नाटक को। इसके अलावा हनावर श्रावस्ती में कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। ओके, अगला आता है ग्वालियर। कौन सा आता है? ग्वालियर। और ग्वालियर के यहां से सबसे फेमस नदी जो होकर निकलती है कौन सी? चंबल। कौन सी निकलती है? चंबल। हालांकि ग्वालियर की अगर कहा जाए तो बेसिकली जो मुख्य नदी है, मेन रिवर है, वो चंबल है ग्वालियर के पास। लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर और भी कई नदियां हैं। ग्वालियर सिटी चंबल पर नहीं है, है ना? ग्वालियर रीजन चंबल पर है। तो ग्वालियर किस पर? चंबल पर, मध्य प्रदेश, है ना? ग्वालियर किस पर? चंबल पर, मध्य प्रदेश। अगला, गोरखपुर। बाबा गोरखनाथ की धरती।
किस पर है? राप्ती पर है, गोरखपुर राप्ती पर है ना, गोरखपुर किस पर है? राप्ती नदी पर। अगला लखनऊ, लखनऊ किस पर? गोमती पर। तो गोरखपुर राप्ती पर, लखनऊ गोमती पर। क्लियर। कानपुर, तो आपका कानपुर तो गंगा पर ही है, गंगा के किनारे सबसे बसा शहर, सबसे बड़ा शहर है ना, तो कानपुर कहां पर? गंगा पर है। शुक्लागंज, कानपुर में कौन फेमस है? शुक्ला फेमस है, तो कानपुर भी गंगा पर, तो शुक्ला जी भी गंगा के किनारे है ना। और चकेरी गंगा के, तो कानपुर के शुक्ला जी चकेरी गए थे गंगा नहाने, कानपुर के शुक्ला जी चकेरी गए गंगा नहाने, तो कानपुर शुक्लागंज और चकेरी कहां पर? गंगा पर हमें देखने को मिलता है। मालेगांव, मालेगांव यहां पर है महाराष्ट्र में, कहां पर? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गिरना नदी पर। अच्छा, महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई, मुंबई, मुंबई किस नदी पर है? मुंबई है उल्हास नदी पर। किस पर? उल्हास नदी पर, ध्यान रखना, मुंबई किस पर है? उल्हास नदी पर हमें देखने को मिलती है। अगला संबलपुर, संबलपुर उड़ीसा में, और उड़ीसा में कौन सी महानदी? कटक, संबलपुर, उड़ीसा, महानदी। राउरकेला, राउरकेला कहां पर? ब्रह्माणी नदी पर। राउरकेला उड़ीसा में इस्पात स्टील संयंत्र ब्रह्माणी नदी पर देखने को मिलता है। पुणे, पुणे महाराष्ट्र में मुथा नदी पर, ठीक। दमन, दमन द्वीप, ये जो दमन द्वीप है ना, ये रहा दमन, ये दमन किस पर है? गंगा नदी पर है ना, कहां पर? दमन गंगा नदी है उसका नाम, क्या है? दमन गंगा नाम है। क्लियर। मदुरै तमिलनाडु में वैंगई नदी पर, मदुरै तमिलनाडु में वैंगई नदी पर। त्रिचिरापल्ली कावेरी नदी पर, तो मदुरै तमिलनाडु में वैंगई पर, त्रिचिरापल्ली कावेरी पर। चेन्नई, चेन्नई अड्डयार, चेन्नई किस पर है? अड्डयार पर हमें देखने को मिलती है। कोयम्बटूर नोयाल नदी पर है, कोयम्बटूर किस पर? नोयाल नदी पर है। इरोड कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है ना, इरोड कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। थिरुनलवेल्ली, थिरुनलवेल्ली कहां पर है? थीरबारिनी नदी पर, किस पर? थमीरवारिनी नदी पर। भरूच गुजरात में है नर्मदा पर, भरूच कहां पर? गुजरात में नर्मदा पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर, ओके। अब एक दो और बचे हैं। कर्जत कहां पर? उल्हास नदी पर महाराष्ट्र में, जिस पर कि हमें मुंबई देखने को मिलता है। नासिक गोदावरी पर महाराष्ट्र में, इसके अलावा महाड़ सावित्री पर महाराष्ट्र में, नांदेड़ गोदावरी पर, ये याद ही करने हैं बेटा आपको। नेल्लोर पेन्नार पर आंध्र प्रदेश में, और निजामबाद गोदावरी पर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। क्लियर, ओके, चलिए। हाँ, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की कल क्लास को हम देखेंगे। कल सुबह 11 बजे जीके जीएस की प्रैक्टिस होगी, सारे के सारे शेरों को आना है। कहां पर? लाइव बैच में सुबह 11 बजे प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, तो 11 बजे प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, लाइव चैट के लिए आपको लंका लगाने वाले सेशन में। और इसके नोट्स कहां पर मिल जाएंगे? कॉन्सेप्ट के नोट्स बैच में, अभिमन्यु नोट्स बैच में आपको प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर। मैडम की जो इंग्लिश वाली क्लास है, सारे के सारे शेरों को जरूर आना है इंग्लिश स्पोकन की क्लास में। और अगर कोई समस्या हो जीके जीएस से, तो आप 1 से 2 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। इसी के साथ आज की कक्षा को मैं करता हूं समाप्त, कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।